वैलेंटाइन वीक चल रहा है और ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा मेकअप चाहिए ही होता है, जो मेकअप बेस करे ऑफ कोर्स, जो प्रोडक्ट हो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स सभी आपको बता दें कि ब्रांडेड प्रोडक्ट का फैबुलस रिजल्ट आता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा चलता है। ऑब्वियसली आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मीठी चीज तो होगी ही, ऑब्वियसली आप जो चीज को ज्यादा ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी, लेकिन किसी को ये पता है कि अगर हम कम पैसे डालें उसके बाद भी हमें मेकअप को बहुत ज्यादा फैबुलस कर सकते हैं लाइक अ प्रो, तो ऑब्वियसली मैं आपको बताने वाली हूँ प्रो मेकअप जो बहुत ज्यादा सिंपल बहुत नेचुरल है। ऑब्वियसली इसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए और ये मैंने मेनली बिगिनर्स के लिए रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगा दूं तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसेस अलग हो जाते हैं, चीजें अलग आ जाती है, तो ये मेकअप बहुत बेसिक मेकअप है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके ट्रॉल मत करिएगा कि ये मेकअप ऐसा है ये मेकअप वैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सिंपल मेकअप है, इसके अंदर सिर्फ मैं बेस पे फोकस। भी टिप दी थी वो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं मेनली चाहती हूँ कि मेरा फेस बहुत ग्लोई लगे, तो पहले मैंने CTM कर लिया था जिसको हम कहते हैं क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद आप ऑफकोर्स प्रिपरेशन के लिए ऑफकोर्स वो चीज़ मैंने शूट की थी लेकिन वो मिस हो गई, मेनली प्राइम करें अपने फेस को, और अगर अभी सर्दी का मौसम है तब भी आप प्राइम करें, ऑब्वियसली प्राइमर बहुत ज़रूरी है, चाहे आप होम मेड DIY प्राइमर करें जो मैंने अपडेट कर दिया है, या फिर आप अपने लिए कोई एक अलग प्राइमर बनाए उससे जाके अपडेट करें अपने ऑफकोर्स स्किन पे लगाए हैं, जो भी आप वीडियो देख सकते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। इसी के साथ साथ जो अब मैं आपको मेकअप दिखाने वाली हूँ, मैं मेनली यूज कर रही हूँ आज मेकअप में बहुत सस्ती चीप बेस्ट ओलिविया मेकअप स्टिक, वो बहुत ज़्यादा चीप और बेस्ट है, तो ऑफकोर्स ये आपको मिलेगी अंडर 200, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। मैं मेनली जो कलर ले रही हूँ वो है नेचुरल रोज, आपको इसको सिर्फ ऐसे ग्लाइड ऑन करना है, लोग अपने फेस पे मेकअप लगा रहे हैं बट अपने ऑफ कोर्स नेक पर भूल जाते हैं, तो नेक पर भी लगाएं बेस्ट रहेगा। अब उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, चाहे तो आप कोई ब्यूटी स्पॉन्ज ले सकते हैं, ब्रश ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली सस्ती चीज़ और सबसे अच्छी ऑफकोर्स हैंड से आपका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन जितना अच्छा जर्स होता है स्किन में तो वो कर लीजिए। मैं इसको भी अपने हैंड से ही कर लेती हूँ स्मज भी, मैं मेनली आपको देसी स्टाइल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो होते हैं वही मेनली इतने सारे ब्रश लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे ब्रश की किट भी है, इसे भी देख सकते हैं मेरी ब्रश किट है, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि चीप एंड बेस्ट हो ऑब्वियसली, और हमें इतने ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। गाइज ये स्टिक ऑयली फेस के लिए और ड्राई फेस के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जिन लोगों की ड्राई स्किन है ऑब्वियसली फेस हो टी जोन हो जो भी चीज़ ड्राई है ऑब्वियसली आपको मॉइस्चराइजिंग तो करनी है, लेकिन मॉइस्चराइजिंग का तरीका बदल जाएगा, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर ले, जो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक ऑयल सिक्रेशन नहीं होता, और जिनकी स्किन ड्राई है वो हाइड्रेटिंग लोशन है जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करे जिससे आपका ग्लो निकल के आए। हमें मेकअप पर अपना रंग फेयर या रंग डाउन या बहुत ज़्यादा फीचर्स को मेनली हम फोकस करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा रंग से फोकस करते हैं कि एक टोन हो लेकिन इतना ज़्यादा भी वाइट ना हो जिससे हमारे फेस अजीब लगे। मेन चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं ब्लेंड करते वक्त मैंने हल्का हल्का अपने लिप्स पे भी लगा लिया है, ऑब्वियसली लिप्स पे हम इसलिए लगाते हैं जिससे हम चीज़ लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छे से रहेगी। इससे पहले मैंने ऑब्वियसली लिप बाम लगाई थी और लोशन भी लगाया था जो मैं लगाती हूँ, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल में देख सकते हैं कितना सही मीन्स ब्लेंड हुआ है, मैंने हैंड से ही करा, आप देख सकते हैं मेरे हाथ ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं। तो गाइज मैंने नेचुरल रोज़ लिया था, अब मैं ले रही हूँ लैक्मे रोज़ पाउडर ही, लैक्मे रोज़ पाउडर आप ले उसके बाद हल्का सा अपने फेस पे लगा ले, इसको डाप 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 करें, प्रोडक्ट निकल रहा है ओके। आपको हार्श लाइन दिखती है तो मेनली आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, कोई स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं, या फिर स्टिपलिंग ब्रश तो पता ही होगा आपको सबको ही कि स्टिपलिंग ब्रश होता है, उसे ऐसे ऐसे करके हमें ब्लेंड करना होता है, वैसे मुझे लग नहीं रहा लेकिन स्टिल मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाला।
एंड ऑब्वियसली अब हमें चाहिए एक पाउडर ब्रश. पाउडर ब्रश में चाहिए होता है, वरना इसके अंदर एक ऐसा टाइप का पैड भी आता है आपको मिलेगा, बट मैं इसको मेनली यूज नहीं करती हूँ, उससे बहुत ज्यादा व्हाइटनेस नहीं हो जाती है. तो आपको जस्ट क्या करना है, पाउडर ब्रश से पाउडर लेना है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके डैब भी कर देना है अपनी पूरी स्किन पे. ले लेना है आपको, अपनी नेक पर भी लगाना है. मेनली हम लोग नेक भूल जाते हैं, अपने ईयर्स भूल जाते हैं. जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है, वैसे एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा वाइप कर देती हूँ जिससे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा गोरा गोरा पसंद नहीं है. वैसे मैंने बहुत कर लिया अपने फेस, मैं हल्का. जब लगा रहे थे तो हम ऐसे ऐसे करके लगाए जिससे वो स्किन में जाए या उस पर फिक्स हो जाए, और जब हम हटा रहे हैं तो हम ऐसे करके हटाएंगे. मेनली आउटवर्ड होनी चाहिए डायरेक्शन, मेनली हमको डायरेक्शन पे फोकस करने के लिए कह रही हूँ. गाइस आपको बहुत सारे इजीली ब्लश अवेलेबल होंगे. मेन चीज जो मैं आपको दिखानी थी वो ये कि जो आपने पाउडर वगैरह सब सेट किया, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप कैसे लगाएंगे इसको, मेनली मैं आपको बता देती हूँ. ऐसे लेना है आपको, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली, और आपको ऐसे करके लगाना है. और जब ये इसमें से पाउडर खत्म हो जाए उसके बाद भी हल्का सा डैप कर ले अपने हैंड पे ऐसे, और उसके बाद भी उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में करें. डायरेक्शन वही सेम रहेगी, बस बदलेगा क्या कि आप किस चीज़ से अप्लाई कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अपने आईलिड्स पे जरूर लगाएं, ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने रोज पाउडर यूज किया है ये सिर्फ 150 या 180 रुपीज का है, तो बहुत चीप और बेस्ट है. मैं इसको डेली में यूज करती हूँ, मेरे को बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है. अब द मेन थिंग इज, अगर आपको ब्लशर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते नहीं. जो मैं आपको दिखा रही हूँ 200 रुपए से भी कम चीज में है, उसमें आपको ऑप्शन दे रही हूँ. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वैलेंटाइन स्पेशल लुक है, उसमें हम थोड़े पैसे खर्च कर रहे हैं, थोड़े और सही, लेकिन आपको मिल जाएंगे इजिली ब्लश पैलेट कहीं भी. बहुत नॉर्मल किट भी आते हैं, जरूरी नहीं हम ब्रांडेड ले, लोकल भी खरीद सकते हैं. तो अब हम मेनली, मैं आपको बता रही थी ब्लश के बारे में, तो आप ब्लश यूज कर सकते हैं. तो मैं मेनली थोड़ा सा ब्लश यूज कर रही हूँ. कॉन्टोरिंग का भी सेम है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी तरीका आगे वीडियो में. आपको स्माइल करनी है ब्राइट, पहले आपको लगाना है उसके बाद हल्का सा डालें. तो गाइज मैंने लगा लिया, हल्का सा है तो नोज पे लगा सकते हैं, फोरहेड पे जो लोग लगाते हैं मेनली, जो मेनली लगाते हैं वैसे कॉन्टोर करते हैं. मैंने हल्का सा सिर्फ डस्ट कर लिया है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने नो प्रोडक्ट वेस्टेज. तो आप देख सकते हैं फेस प्रिपेयर हो गया है, अच्छा लग रहा है. आपको हाइलाइटर लगाना है तो हाइलाइटर का ऑप्शन भी है ऑब्वियसली. एंड द मेन थिंग इज, अब मैंने नॉर्मल एक फैशन कलर की आईब्रो पेंसिल ली है, आप अपनी आईब्रो को ग्रूम करें. फिल योर ब्रोज गाइज. अपने आईब्रो को ग्रूम करने के बाद आप मेनली मस्कारा वॉन्ड ले सकते हैं, एक ईयरबड ले सकते हैं, यस के आगे ऐसे आपको कुछ दिख जाएगा, उससे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ऑफकोर्स. और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली हैंड, उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप इसको ब्लेंड करें बस. उसके बाद प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल के आ जाएगा. एंड दैट्स कूल. अब द मेन थिंग इज ऑफकोर्स आपकी लिपस्टिक. आप लिपस्टिक कोई भी रेड कलर की यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ हुडा ब्यूटी यूज कर रही हूँ, इट्स माई फेवरेट शेड. रखने की बोल रही हूँ, आप मेनली चाहें तो कवर गर्ल का मेनली आप मस्कारा ले सकते हैं. इसका मस्कारा भी अच्छा है, रीजनेबल रेट का है. आपको नीचे भी लगा लेना है. इसके अलावा मेरे पास एक और ट्रिक है जिसको मैं बोलूंगी मेनली आई वांट टू यूज समथिंग स्पेशल. मैंने यहाँ ब्लू पेंसिल ली है. आपको ऐसे पेंसिल लगा ली गाइस. अब आपको कोई भी एक ब्रश लेके उसके ऊपर कोई भी कलर आप जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं.
उसको बाद इसको स्मज करें। तो मैंने देखा मैंने इस आईज में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद अब मैं दूसरी आईज में भी सेम मैंने इसी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग के लिए जो मैंने डायरेक्शन रखनी है आपको वो ऐसे रखनी है एंड आउटवर्ड। मैं मैंने लाइनर नहीं लगा रही, मैं आपको ट्रिक अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपको लाइनर कैसे लगाना है, कब को लगाना है। तो इस लुक के लिए मैं मेनली यूज़ कर रही हूँ हल्का सा हाइलाइटर, आप कोई भी ले सकते हैं, आप कोई भी इल्यूमिनेटिंग जो क्रीम ले रहे हैं उसको भी लगा सकते हैं, लिक्विड हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर, और एक फैन ब्रश लेना है आपको। मैं मेनली यहाँ पिंक ग्लो ले रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स गर्ल्स के लिए वैलेंटाइन ज़्यादा स्पेशल होता है, और जो वुमेन है ऑब्वियसली वो चाहती हैं कि वैलेंटाइन में उन्हें पुराने बीते दिनों को याद करे, अपनी जवानी को याद करे, तो आप देख सकते हैं। तो इट्स माय फाइनल लुक, माय हेयर इज माय फाइनल लुक जो आप देख सकते हैं। मैंने बहुत जूम कर दिया है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लाइक मुझे अपने ब्लू आईज नॉर्मली विदाउट एनीथिंग, जो मैंने बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करा है, आप चाहे तो और बहुत एक्सक्लूसिव भी इसे लुक कर सकते हैं। लाइनर लगाना है, लाइनर नहीं लगाना है, आप देख सकते हैं कि मेरी अगली वीडियो में मैं कैसे लाइनर लगाती हूँ, और लाइनर विंग लगाएं, सिंपल लगाएं, किस किस टाइप के। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर कर रखी है 6 टाइप के लाइनर्स के लिए, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिससे आपके लुक्स में लग जाए 4 चांद। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये लुक कितनी सटल और कितनी अच्छी है। अगर आपको ब्लू नहीं चाहिए तो आपको कोई और कलर चाहिए, आप कोई और कलर ऐड कर सकते हैं, या आप इस चीज़ को मिस भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्लो आ रही है, लाइक जो पिंकिश ग्लो, और कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने बहुत एक्सेसिव मेकअप किया है, बहुत नेचुरल लुक है। सो आई थिंक आपको ये अच्छी लगी होगी। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल। तो गाइस जो मेकअप में मेन चीज होती है वो होता है आपका बेस कितना स्मूथ है, आपका मेकअप ऐसा नहीं लगेगा आपने बहुत सारा लगा रखा है। स्पेशली जो मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी उसमें आपको 200 या 250 तक की रेंज के होंगे, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है उसके अंदर। और बाकी जो प्रोडक्ट मैं अगर एक्सपेंसिव यूज कर रही हूँ तो मैं आपको उसके अंदर ऑप्शन दे रही हूँ कि क्या प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं उसकी जगह, और अपने मेकअप को बहुत फैबुलस बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में लाइनर नहीं लगाया है, तो लाइनर अगर देखना है कि आप किस टाइप के लाइनर लगाएं और कौन कौन से टाइप के लाइनर, तो मेरे चैनल में पहले से वीडियो है तो उसको देखें। ऑफकोर्स मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें कैसा मेकअप करना है। इसी के साथ CTM करना ना भूले, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, वो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने मेकअप बेस को प्रिपेयर करने।